दशहरे के पावन पर्व की तैयारियां देश भर में धूमधाम से चल रही है। रावण के पुतले दहन की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही है और विभिन्न स्थानों पर विशाल पंडालों की सजावट की जा रही है। कई शहरों में रावण दहन की तैयारियों के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नाटक का भी आयोजन किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष इंतजाम किए ताकि भक्त सुरक्षित रूप से इस महापर्व का आनंद ले सके। दशहरा जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और हर साल की तरह इस बार भी उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। और देखिए दशहरे देश भर में दशहरे की तैयारियां धूमधाम से की जा रही है और आज विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रावण के पुतले सजाए गए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कई जगह आयोजित किए जा रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तरह से यहाँ पर रावण के पुतले बनाए गए हैं। 9 दिन का त्यौहार नवरात्रि खत्म होने के बाद आज विजयदशमी का पर्व है जो पूरा देश धूमधाम से मना रहा है और आज रावण के पुतले सजाए जा रहे हैं और इस उत्सव का आगाज हुआ। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं, लाइव उनका सरुख करते हैं। लालचंद देखिए आज जो विजयदशमी का पर्व है पूरा देश बड़े ही धूमधाम के साथ विजयदशमी का पर्व मना रहा है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं अगर बाजारों की बात करें किस तरीके से उमंग और उल्लास आमजन में देखने को मिल रहा है? को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है क्योंकि जगह जगह पर जहां मेले का आयोजन किया जा रहा है तो वहीं दशहरे के मौके पर कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है कि जो रावण का दहन होता है उसको देखने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में जो है घरों से निकलते हैं और जिस तरीके से देर शाम जो है रावण के पुतले का दहन किया जाता है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग घरों में ही छोटे छोटे जो है रावण तैयार किए जाते हैं उसको जलाया जाता है, लेकिन राजधानी लखनऊ में भी कई ऐसे विशालकाय जो है रावण बनाए जाते हैं जिनका दहन किया जाता है और यह कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है एक थीम भी रखी जाती है और हर एक रावण के ऊपर कहीं ना कहीं एक नई थीम देखने को मिलती है इस बार। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं रामलीला मैदान ऐशबाग में जहां पर 60 फीट के रावण का पुतला दहन किया जाएगा जिसको लेकर यहां पर भव्य तैयारियां की गई है। आप देख सकते हैं कि यह रामलीला मैदान है जहां पर नवरात्र के पहले दिन से ही जो है यहां पर रामलीला का मंचन शुरू हो गया था यानी कि 3 अक्टूबर से ही और आज जो है जिस तरीके से विजयदशमी है और विजयदशमी पर भी यहां पर भव्य कार्यक्रम होगा जिसको लेकर बड़ी संख्या में यहां पर जो है लोग पहुंचते हैं। और आप देखिए यह रामलीला का मंच है जहां पर दूर से काफी दूर से जो है तमाम कलाकार आते हैं और देखिए भव्य जो पंडाल है रामलीला का वो यहां पर बनाया गया। देखिए यहां पर हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं क्योंकि यहां पर जब रामलीला होता है तब यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है जो लोग होते हैं जो भीड़ होती है वो यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और देखिए ये पूरा रामलीला का मंच है, 3 अक्टूबर से ही यहां पर रामलीला चल रही है यानी कि नवरात्र के पहले दिन से ही यहां पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और आज विजयदशमी है, विजयदशमी पर भी यहां पर रामलीला का आयोजन किया जाएगा। यहां पर बड़ी संख्या में जो लोग वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो कुर्सियां लगी हुई हैं, सोफे लगे हुए हैं और बकायदा सुरक्षा व्यवस्था की कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर जो है यहाँ पर जो है कार्यक्रम जो है आयोजित होते हैं। और देखिए राजधानी लखनऊ का ये सबसे बड़ा रामलीला ग्राउंड है जहाँ ऐशबाग का जो 16वीं शताब्दी से जो है यहाँ पर रामलीला की जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि जो आपको रावण भी दिखाएंगे कि तुलसीदास जी ने यहाँ पर रामलीला की शुरुआत की थी और तुलसीदास जी ने सिर्फ लखनऊ के ऐशबाग में ही रामलीला की शुरुआत नहीं की थी, उन्होंने जो है चित्रकूट और वाराणसी में भी जो है रामलीला की शुरुआत की थी। और जिस तरीके से दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध किया था इससे पूर्व भगवान श्री राम ने समी पेड़ की पूजा की थी और साथ ही समी के पत्तों को स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस उपलक्ष्य में जो है अयोध्या में विजय पर जो है दशहरा मनाया जाता है। लेकिन आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें, उस रावण की तस्वीर और उस जो है मेघनाथ की तस्वीर उस दिखाएंगे जहां पर वो रावण रखा गया। फिलहाल यहां पर अभी तैयारियां चल रही हैं और रावण को बनाकर यहां पर रखा गया है और आप देखिए इस तस्वीर को भी दिखाएंगे जहां पर रावण रखा गया, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो बैरिकेडिंग की गई है इस बैरिकेडिंग इसलिए की गई है कि लोगों की जो भीड़ यहां पर बड़ी संख्या में होती है क्योंकि यहां पर बताते हैं कई हजार
लोग जो है आते हैं और लोग ऊपर से भी दिखाई देते हैं, जो जो बिल्डिंगें बनी है इस पर भी लोग यहाँ पर रहते हैं। जब रावण का 8:30 बजे यहाँ पर जो है दहन किया जाएगा उसको लेकर देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है किस तरीके की, देखिए चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई, उस तरफ रास्ता बनाया गया है और ये जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एंगल लगे हुए हैं जिसमें लाइटें लगी हुई हैं, इस एंगल में जो है यहाँ पर रावण का दहन किया जाएगा। और हर बार यहाँ पर जो है 16वीं शताब्दी से ही यहाँ पर जो है रामलीला का मंचन होता है, यहाँ पर जो है रावण का दहन किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं उस रावण की तस्वीर, उस मेघनाथ की तस्वीर जहाँ पर जो है रावण का दहन किया जाएगा, क्योंकि अभी तैयारियां चल रही है शाम के वक्त, लेकिन रावण बना के रखा गया है। ये देखिए ये रावण का पुतला है जो कागज कपड़े और बांस के फज्जे से जो है ये बनाया गया है। ये बड़ा सा 60 फीट का रावण है जो जिसका दहन किया जाएगा, क्योंकि रावण रावण के साथ ही देखने को मिलता है जो कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, उनका भी दहन किया जाता है। और इस बार की जो थीम दी गई है वो दरिंदगी, अराजकता और कट्टरपंथी की थीम दी गई है। और हर साल अलग अलग थीम पर जो है रावण को जलाया जाता है, और सिर्फ लखनऊ के ऐशबाग में ही नहीं, लखनऊ के ऐसी तमाम जगहें हैं जहां पर जो है रावण को पुतला जलाया जाता है और दहन किया जाता है। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम से जो है दी जाती है। कई जगहों पर जो जिस बार बंगाल में डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी उसको लेकर भी यहाँ पर देखिए ये पुतला है, ये देखिए 60 फीट का ये रावण का जो है पुतला है जिसका दहन किया जाएगा, और इसको लेकर तैयारियां की गई है। अभी जब यहाँ पर लोग आएंगे जो कर्मचारी लगे हुए हैं, क्योंकि और भी हमारे जो सहयोगी है उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं कि वहां पर क्या कुछ माहौल जो है विजयदशमी के पर्व को लेकर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ तुषार जुड़ चुके हैं देहरादून से, और साथ ही राहुल हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। तुषार आपके पास मैं आऊंगी, क्योंकि देखिए देहरादून में किस तरीके से विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा और क्या कुछ माहौल और उत्सव देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल, अगर दशहरे की बात की जाए तो सबसे मुख्य त्यौहार हिंदू धर्म में रहता है, और ऐसे में जो धूम है वो अभी से देखने को मिली है। लोग अत्यधिक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं देहरादून के परेड ग्राउंड में हूँ। करीब 76 सालों से यहाँ पर जो रावण है वो लगता है बन्नू बिरादिया द्वारा यहाँ पर रावण के पुतले का कार्यक्रम लगाया जाता है। मैं पहले जो 60 फीट का रावण है वो आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो इस बार रावण बनाया गया है। पिछले साल की बात करूँ तो सबसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा रावण यहाँ पर लगाया गया था, 131 फीट का रावण यहाँ पर लगाया था, लेकिन इस बार सिर्फ 60 फीट का रावण लगाया गया है। साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण की भी जो पुतले हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। बन्नू बिरादरी द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है। 5:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुँचेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल होंगे। साथ साथ 6 बजे के 5 मिनट का रावण दहन का यहाँ पर समय रखा गया है। साथ साथ आपको लंका नजर आ रहे होंगी, प्रतिरूप है ये लंका का, जिस तरह से सोने की लंका को हनुमान ने जलाया था। इससे पहले जो कार्यक्रम होगा मुख्य 5:30 बजे से, उससे पहले शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी पूरे शहर भर में, और उसके बाद जो शोभा यात्रा में जो श्री राम लक्ष्मण और साथ साथ जो माता सीता बने होंगे और साथ साथ प्रभु राम बने होंगे वो यहाँ पर पहुँचेंगे, और इसके बाद जो पुतला दहन है वो यहाँ पर किया जाएगा। मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि अभी 11 से 11:30 के बीच में टाइम हुआ है और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, तो लोगों के अंदर आप उत्साह इसी से देख सकते हैं कि लोग अभी से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फोटो सेशन यहाँ पर चल रहा है, बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और साथ साथ जो कहा जा सकता है तो आसपास की जगहें हैं, चाहे वो इंद्रा मार्केट हो या फिर भोटिया मार्केट हो, यहाँ पर लोगों ने छोटे दर्शकों को सीधा लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, यहाँ पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनते हैं। उत्सव उनके नाम पर मनाने का निर्णय किया है, जिनके शासन के सभी सूत्र जनता की सेवा के साथ साथ सशस्त्र बल में भी उनकी अपनी सीमा उल्लंघन के मसले का उनका उदाहरण है कि उनके राज्य पे कभी आक्रमण नहीं हुआ, और सदैव उनने अपने राज्य के साथ साथ पूरे अखंड भारत की कल्पना करते हुए सभी प्रकार के सुशासन के सूत्र हाथ में लेकर के शासन चलाया। ऐसे पुण्य अहिल्या माता के लिए भी आज हमने दशहरा उनको समर्पित किया है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई, बहुत धन्यवाद। और ये आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुना, तो वहीं आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आज विजयदशमी का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है, बाजारों में किस तरीके से धूम है इस पर्व को लेकर, और साथ ही देखिए अलग अलग तरह के रावण जो है वो भी बनाए गए हैं और रावण की पुतली सजाए जा रही हैं और उत्सव का आगाज भी हो रहा है।
तुषार, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे, आप तैयारियों का जायजा ले रहे थे कि क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं विजयदशमी के पर्व को लेकर। देखिए बिल्कुल, अगर पुलिस प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो पूरे परेड ग्राउंड के आसपास जीरो जोन कर दिया गया है। साथ साथ यातायात व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर कई कड़े निर्देश दिए गए हैं। रूट प्लान्स यहाँ पर बनाए गए हैं, खासकर जो मुख्य मार्ग है घंटाघर के आसपास, परेड ग्राउंड के पास पास, वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है और यातायात व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर पहुँचे जो पुलिस प्रशासन की टीमें हैं वो लगी हुई है। साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और साथ साथ भीड़ नियंत्रण के लिए भी विशेष प्लान बनाए गए हैं। साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि सुबह 11 से 11:30 बजे का समय है और लोग यहाँ पर लगातार पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। जो भीड़ है उसका कुनबा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये भीड़ शाम तक इसी तरह रहने वाली है। आप देख रहे होंगे जो लोग हैं बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और इन्जॉय यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में उत्साह है दशहरे को लेकर और जो हिंदू धर्म में विशेष महत्वता रखता है दशहरा पर, उसके तहत जहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और साथ साथ जो देहरादून के मुख्य परेड ग्राउंड है यहाँ पर सालों से रावण दहन होता है, बचपन से लोग यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में एक अटैचमेंट यहाँ पर लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे कि कितना उत्साह है उनके अंदर, आज दशहरा है कितना उत्साह। बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम ये जानना चाहेंगे सर ये प्रोग्राम कितने बजे होगा रावण दहन का? ये 6:05 में यहाँ पर रावण जलने का पुतला शुरू होगा और साथ साथ 5:30 बजे की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो कार्यक्रम 5:30 बजे शुरू हो जाएगा, 5 बजे तक आपको पहुँचना होगा क्योंकि भीड़ बहुत रहती है यहाँ पे, देहरादून का मुख्य रहता है। आपका नाम क्या है? सुधीर कुमार है। दशहरा आज है, किस तरह से उत्साह है अगर बात की जाए? काफ़ी अच्छा लग रहा है सर देख करके, और ये साथ में हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है रावण से कि हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं उनको छोड़ करके हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना है। दशहरे का मुख्य उद्देश्य यही है और यही प्रेरणा हम सब लोगों को मिलती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंश है। अभी से आ गए आप रावण देखने? यस। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। देहरादून का ही? बिहार। बिहार से यहाँ पर आए हैं। अब आपकी फैमिली यहाँ पर रहती है, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, नाइस। और यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला आपको? बाजार था बाहर, बहुत अच्छा लगा, झूले जैसे सामान तो लेना पड़ता है तो अच्छा लगता है, खुशी लगती है अंदर से कि हमें लेना है, मस्ती करेंगे। अच्छा, घर वालों ने क्या कहानी सुनाई है दशहरे के बारे में अगर बात की? मम्मी तो ये कहती थी रावण को एक बार जलाया जाता है तो बार बार क्यों जलाते हैं। अच्छा, मतलब हाँ कि बुराई एक बार होती, बुराई को एक बार जला दिया तो बार बार क्यों? ठीक है, आपका नाम क्या? रोशन। चलिए ठीक है, तुषार आपके पास लौटेंगे। आगरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल भी लगातार बने हैं। राहुल, आगरा में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है विजयदशमी के पर्व को लेकर और किस तरीके से बाजारों में धूम भी इस पर्व को लेकर देखने को मिल रही है? तो रामलीला की तस्वीरें देखने होंगी, लेकिन मैं आपको जो है वो दिखाना चाहता हूँ। देखिए हालांकि साइज में दिखा दूँ, ये बाजार है और यहाँ पर जलाने की पूरी तैयारी लोगों ने कर ली है। सब तरीके देखेंगे यहाँ पर, तो बच्चे जो भी लोग खरीद कर यहाँ आते हैं बाजारों में, क्योंकि है आप सभी जो है नौमी के बाद जो पड़ता है दशहरा, उसमें बुद्धि की जो है वो की जीत की जलाया जाता है। यहाँ की वो जान की स्थिति, क्योंकि आज ही के विसर्जन भी दुर्गा का हो रहा है, 9 दिन माता की मूर्ति रखकर उनकी सेवा में तस्वीर जूम देखेंगे पीछे आपको जो है वो जाम नजर, और बाजारों में आपको दिखा दूं कि छोटे बड़े रावण जो है हो, क्योंकि बुरा किसी ने भी सकती है रावण को प्रतीक का, तो जो है वो इंसान को अपने बिल्कुल देखिए तस्वीर हम देख पा रहे हैं राहुल, किस तरीके से विजयदशमी के पर्व को लेकर उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। सहारनपुर से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय चौधरी लगातार बने हैं। संजय, वहां पर क्या कुछ माहौल है दशहरे के पर्व को लेकर और कितना उत्साह? जी देखिए, बताना चाहूंगा सहारनपुर में भी दशहरे की धूम देखी जा रही है। पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ दशहरा मनाया जा रहा है। बात की जाए तो सहारनपुर की, सहारनपुर में भी जगह जगह पर दशहरा मनाया जा रहा है, रावण के पुतले खड़े किए जा रहे हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम सहारनपुर के गांधी पार्क में है, यहाँ पर सहारनपुर का सबसे बड़े दशहरा मनाया जाता है। रावण है जो उसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट की है, तो मेघनाथ की 80 फीट की है और कुंभकर्ण की 90 फीट की,
ऊंचाई रखी गई है, तो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है, जगह जगह पर नजर रखे हुए है, और जहां पर ज्यादा बड़े प्रोग्राम होने हैं वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और ड्यूटियां लगाई गई है ताकि सकुशल संपन्न कराया जाए इस त्योहार को, और सभी तैयारियां पूर्ण कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए तस्वीर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से रावण दहन को लेकर जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं की जा रही है, और जो उत्साह है लोगों में वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से लालचंद आपके पास आना चाहेंगे, आप बता रहे थे कि क्या कुछ विशेषताएं जो रावण दहन वहां पर किया जाएगा उसकी क्या कुछ विशेषताएं देखने को मिल रही है, और किस तरीके से पिछले 9 दिनों से लेकर अब आज दशहरे का पर्व है तो जो लोग हैं वो किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं कि क्या कुछ, क्योंकि आज बुराई पर अच्छाई के प्रतीक का ये पूरा त्योहार है। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से इन नवरात्र के दिनों में लगातार पूजा पाठ किया गया, माँ दुर्गा की पूजा की गई, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की गई, और नेटवर्क 10 भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार दर्शकों को जहाँ मंदिरों को दर्शन कराता रहा, तो वहीं आज जिस तरीके से नवमी सुबह खत्म हुई है और इसके बाद अब विजयदशमी लग गई है, और विजयदशमी पर दशहरे की धूम कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है, लोग जो है रावण के पुतले के दहन को जो है देखने के लिए घरों से निकलते हैं, कई जगहों पर मेले का भी आयोजन किया जाता है, बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंचते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये उत्साह दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीके से भगवान श्री राम रावण का वध करने के लिए लंका पहुँचते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है, उसके लेकर कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो दिखाई देगा, जश्न का माहौल दिखाई देता है, और यही वजह है कि एक तरफ जहां सभी की छुट्टियां हैं उन छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए कहीं ना कहीं लोग जो है मेले में पहुंचते हैं और रावण के दहन में जो है पहुंचते हैं, और आज यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम जहां मौजूद हैं ये रामलीला ऐशबाग है, जहां पर 3 अक्टूबर से यानी कि नवरात्र के पहले दिन से ही जो है यहाँ पर रामलीला का मंचन शुरू हुआ, और देखिए ये भव्य और दिव्य नज़ारा है, जहाँ पर ये एक बड़ा सा पंडाल बना हुआ है जहाँ पर जो है रामलीला का मंचन किया जाएगा, और आज भी इस रामलीला के ग्राउंड में कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम है ब्रिजेश पाठक, तस्वीरें हम सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो रंगमंच का जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं विशेष कार्यक्रम होने वाला है, और तैयारियां जो है कार्यक्रम को लेकर वो भी कहीं ना कहीं अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए, और यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और लगातार हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता तुषार बने हुए हैं। तुषार, अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने वाले हैं परेड ग्राउंड में। देखिए बिल्कुल, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है, क्योंकि देहरादून राजधानी है और यहाँ पर जो अत्यधिक लोग हैं परेड ग्राउंड में ही जुड़ते हैं, पूरी तरह से यातायात प्लान यहाँ पर रूट प्लान्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, साथ साथ जो कानून व्यवस्था है उसे भी यहाँ पर दुरुस्त रखने की कोशिश की जाती है, जो ऐसे सेंसिटिव और संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन की मदद से भी जो निगरानी है वो रखी जाती है, क्योंकि जगह जगह जो शोभा यात्रा है वो निकाली जाती है, तो ऐसे में भीड़ नियंत्रण को लेकर भी साथ साथ, क्योंकि भीड़ अत्यधिक यहाँ पर पहुँचती है, मैं पीछे का इलाका आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो भीड़ नियंत्रण है उसे यहाँ पर कोशिश की जाएगी, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो कहा जा सकता है जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटेंगे रावण पुतला दहन के मौके पर, तो पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से यहाँ पर कहा जा सकता है चाक चौबंद से व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है, साथ साथ जो रूट प्लान है वो भी यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो आम लोग हैं स्थानीय लोग हैं उनको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हो सके। एक बार फिर मैं आपको पुतला दिखाना चाहूँगा कि ये 6:05 में इसका समय रखा गया है दहन का, साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का यहाँ पुतला लगाया गया है, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो लोग यहाँ पर सेल्फी खिंचाते हुए नजर आएंगे, तो फैमिली टाइम के तहत यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, एक मूवमेंट के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जो दशहरे का मतलब है लोगों के अंदर उजाला लाना और साथ साथ जो बुराई पर जीत का मतलब है उसको जो सीखते हुए यहाँ पर बच्चे नजर आ रहे हैं, जो फैमिलीज की कहानी होती है वो भी यहाँ पर दी जा रही है, और साथ साथ आप देख सकते हैं चाहे वो दिव्यांग लोग हों वो भी यहाँ पर हर एज के, चाहे वो बूढ़े हों बच्चे हों, लोगों में उत्साह है वो कहीं ना
ना कहीं दशहरे के पर्व को लेकर देखने को मिल रहा है और सभी लोग काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। चलिए हमारे साथ ग्वालियर से विकास गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास, विजयदशमी के पर्व को लेकर ग्वालियर के बाजारों में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरीके से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, उत्साह कितना है आज के पर्व को लेकर? हाँ जी बिल्कुल, बता दें आज विजयदशमी का पर्व है और यह पर्व लोग बड़े धूमधाम से मनाया। कोई कहे आज माता का जो विसर्जन, 9 दिन से माता जो विराजमान थी, भाभी आज उनको विसर्जित किया जाएगा। साथ ही आज विजयदशमी का महापर्व है जो एक बुराई पे अच्छाई की जीत और असत्य पे सत्य की जीत की होती है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के तरह तरह के रंग बिरंगे आज पुतले बनाए गए हैं जो उनको लोग आज जलाएंगे रात में। आज इनका करीब रामलीला के मंचन के बाद यह पूरा चौराया जो है वो रामलीला चौराहे के नाम से ही प्रसिद्ध है, राम रावण चौराया कहलाया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ तरह तरह के लोग काफी सालों से चौराहे बनाए हैं, लोग अपने घर पे गाड़ियों पे रावण रख के ले जा रहे हैं। भैया से बात करने जाएंगे, भैया रावण ले जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ले जा रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया बिक रहे हैं। जैसा किस प्रकार मनाते हैं विजयदशमी का पर्व? बस अपना ये ले जाएंगे और पूजा करेंगे, रात को दहन करेंगे। दहन करेंगे, कितना उत्साह रहता है, कितना माहौल है इस बार? देखिए माहौल अच्छा है लेकिन थोड़ा शांत भी है, इतना ज्यादा अभी कहाँ है, इतना नहीं। तो क्या कहते हैं इस बार, क्या कोई महंगाई की वजह से हो सकता है? अब महंगाई तो बढ़ी रही है, अब आप देख ही रहे हो, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत है। यहाँ जो रावल भैया बेच रहे हैं उनसे भी पूछेंगे इस बार की उनका किस प्रकार का बाजार है और कितने सालों से यह काम कर रहे हैं। भैया कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? अपना 20-25 साल। हर साल की अपेक्षा इस बार कितना, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल अभी तो थोड़ा कम है, 9 देवी के चक्कर में, आज 9वीं वगैरह पूज रही है, चक्कर शाम के टाइम ग्राहक आएगा अच्छी दुकान तक। हर साल जो महंगाई की रहती है इस बार कितना परसेंटेज बढ़ा है जो आपको ग्राहकों को बढ़ा है? 100 वाला पुतला 150 का है, 200 वाला 300 का है। किससे कितने फुट तक के रावण बनाए आप? 1 फुट से लेके 25 फुट तक के। तो देखिए बिल्कुल 1 फुट से 25 फुट 30 फुट तक के रावण बनाए गए हैं। यहाँ पे जो रामलीला दशहरा मैदान है वहाँ पे भी आज शाम को करीब 8 बजे 65 फुट के 3 पुतले दहन किए जाते हैं, इसमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले दहन किए जाएंगे जी। और बकाया सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था या शासन प्रशासन की तरफ से पूरी तरह लगी है, करीब 2000 पुलिसकर्मी जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। जहाँ पे कोई अशांति फैलाने वाले युवक हो या असामायिक तत्व हो वहाँ कोई दंगा फसाद ना हो, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था ही पूरी तरह लगाई है जी। बिल्कुल, जिस तरीके से देख रहे हैं कि आज का ये जो पर्व है उसको लेकर जितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि रावण के पुतले तरह तरह से सजाए जा रहे हैं, पूरे बाजार जो है वो इससे गुलजार है। संजय जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए संजय, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप बाजार में इस वक्त मौजूद हैं, जो तस्वीरें वहां पर है, किस किस तरह के जो रावण है, किन किन वैरायटी के जो रावण है वो बाजार में देखने को मिल रहे हैं, और अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई है? जी देखिए, सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर में रंग बिरंगे पुतले बनाए गए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाए गए हैं। जो रावण है उसका मुंह चलता हुआ नजर आएगा, विशेष तौर से इस बार बनाया गया है जो रावण है उसको बनाया गया है। इसी तरीके से मेघनाथ है या कुंभकर्ण है, अलग तरीके के कागज लगाए गए हैं और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो भी बात की जाए तो प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की हैं। सहारनपुर सिटी में 33 जगह पर रावण का दहन होगा और सभी जगह पर सभी पुलिस व्यवस्था की गई है ताकि कोई किसी तरीके की चूक ना हो। बात रावण की जाए तो रावण और मेघनाथ के पुतले बनकर तैयार हो चुके हैं, अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, किसी भी समय इनको खड़ा कर दिया जाएगा। लगभग 6 बजे के बाद फिर रावण का दहन होगा, उसके बाद सब तैयारियां पूरी की गई है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, बड़े अधिकारी हैं वह भी नजर रखे हुए हैं। बात की जाए तो अभी 2 दिन पहले ही ADG जोन मेरठ वो भी आए थे और पूरी तरीके से व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे। जी बिल्कुल, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो रावण के पुतले हैं वो बनाए जा रहे हैं। लालचंद आपके पास आना चाहेंगे, अगर बात सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हो तो क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे आज शाम के लिए? बिल्कुल दीपिका, ऐशबाग रामलीला मैदान में सबसे पहले तो 8:30 बजे यहाँ पर रावण का दहन किया जाएगा। रावण के दहन के साथ ही जो कुंभकर्ण है वो मेघनाथ का भी पुतला यहाँ पर जलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर नवरात से ही देखने को मिला है पूरे राजधानी लखनऊ में कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी पंडाल बनाए गए हैं जहाँ पर माँ दुर्गा के पूजा अर्चना की गई है। फिलहाल आज विसर्जन का भी दिन है तो मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए भी जो है तमाम तैयारी
तैयारियां की गई है। जो गोमती नदी का तट है वहां पर जो है मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। और ऐसे में आज जरूर देखने को मिल रहा है कि दशहरे का जो महापर्व है उसको लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर जो है मेले में पहुंचते हैं। और जो रामलीला का मंचन होता है जहां पर रामलीला की जाती है वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और वो रामलीला के दर्शन करते हैं, वहां पर देखते हैं। और भव्य तैयारियां की गई है रामलीला मैदान में और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक भव्य कार्यक्रम चल रहा है 3 अक्टूबर से ही और नवरात्र से ही जो पहले दिन से ही। और देखिए जो ये मंच है वो ये मंच बता रहा है कि यहाँ पर ये बड़ी संख्या में जो है लोग पहुँचते हैं और रामलीला का जो है मंचन जो है वो देखते हैं। इसके साथ ही आज यहाँ पर जो है इस जगह पर कहीं ना कहीं रावण का जो है दहन किया जाएगा। रावण को अंदर रखा गया है क्योंकि जो है बारिश हो सकती थी, भीग सकता था, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अंदर ही रावण का 60 फीट का जो रावण है वो बनाया गया है। उसके साथ ही जो कुंभकर्ण है मेघनाथ उनका भी पुतला यहाँ पर बनाया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो भीड़ है वो लोगों की काफ़ी भीड़ पहुँचते हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं रावण के दहन के मौके पर और उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम तैयारियाँ की गई है। लेकिन अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ में तमाम जगहों पर रावण जलाए जाते हैं, अलग अलग थीम रखी जाती है, लेकिन अगर हम ऐशबाग रामलीला मैदान के रावण के की बात करें जो थीम रखी गई है इस बार अराजकता दरिंदगी और कट्टरपंथी दी गई है। यानी कि अराजकता खत्म हो, जो कट्टरपंथी हो, जो दरिंदगी हो वो खत्म हो, उसका एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। और हर साल अलग अलग थीम पर कहीं ना कहीं रावण का जो है पुतला दहन किया जाता है। और इस बार जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ में दरिंदगी होती है और कहीं ना कहीं जो अपराधी खुलेआम घूमते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, कहीं ना कहीं इस कानून व्यवस्था बेहतर की है और उस पर लगाम लगाने की कोशिश की है। जो भी माफिया गुंडे जिस तरीके से जो है कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लगाम लगी है और तमाम जो हिंसाएं होती थी वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है और प्रदेश पुलिस के द्वारा किए गए हैं। क्योंकि आज का पर्व ही कुछ खास है और जो उमंग और उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है वो भी एक अलग ही तरह की झलक दिखा रहा है। तो चलिए आप सभी हमारे साथ लगातार यूं ही बने रहिए और यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और लगातार हमारे तमाम जो सहयोगी है वो हमारे साथ बने हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग शहरों में जो आज का पर्व है दशहरा उसको लेकर जो उत्साह और जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। देहरादून से तुषार लगातार हमारे साथ बनी है। तुषार, अगर बात करें देहरादून की तो हमेशा परेड ग्राउंड में एक विशाल तरीके से यहाँ पर इस पर्व का आयोजन किया जाता है, लोग भी जगह जगह से यहाँ पर पहुंचते हैं, वहां पर जो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि वो कहाँ से आए हैं और कितना उत्साह आज के दिन को लेकर उनमें। देखिए बिल्कुल, अगर देहरादून की बात की जाए तो राजधानी की बात की जाए तो परेड ग्राउंड का सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है दशहरे में और यहाँ पर जो लोग हैं, जो देहरादून वासी हैं, वो अत्यधिक मात्रा में यहीं जुटते हैं क्योंकि करीब 77 वा ये पूरा आज इस बार जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है। 76 सालों से ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम होता है, तो ऐसे में कहा जा सकता है जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटते हैं। और सुबह का समय है, अभी 11 से 11:30 बजे का समय है और ऐसे में जो लोग हैं अभी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, फैमिली के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और एक खुशी का पल यहाँ पर मनाते हुए नज़र आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी, उनसे बात भी करेंगे कि आप इस तरह से कह रहे थे, आपका नाम क्या है? जी, मेरा सुमित्रा यादव। आप रावण देखने आए हैं? हाँ जी, देखने आए हैं। कितना उत्साह है अगर रहता है कि दशहरे के लिए अगर बात की जाए? ठीक है भाई साहब, जो बना दिया वो सही है, बस अच्छी तरह मेला हो जाए, रावण जल जाए, बस। हिंदू धर्म में अगर आपको लगता है कितना महत्वपूर्ण होता है अगर बात? बहुत अच्छा होता है, हिंदू धर्म में अपना मानता है, ठीक है, हिंदू धर्म से हम भी हैं और एक हिसाब से तो सबको मानना चाहिए, हम भी तो सबके धर्म अपना लेते हैं, आते हैं, जाते हैं, मंदिर है, मस्जिद है। अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुँची? हाँ जी, अपने पोती पोतों के साथ आ रखे हैं। ये हमारे और भी लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हंसी तिवारी। आज दशहरा है, क्या सीखना चाहिए बच्चों को? हाँ, ये खुशी की बात है, पुतले बनाए हैं, हम लोगों का बड़ा त्यौहार है। मैं अल्मोड़े से आई हूँ घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा, ठीक है, तुम लोगों ने अच्छा बनाया है, अच्छा है, हमारा पहाड़ी ठहराए परंपरा, एक कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं भी देखने के लिए आई हूँ यहाँ।
बच्चों को क्या सीखना चाहिए अगर दशहरों की बात? बच्चों में ये है, दशहरों में मेन चीज ये होता है, इसमें जो ये बुराई है उसे अपने वो हटा के सकारात्मक सोच, अच्छी बातें सोचनी चाहिए, बुराई बातों को अपने हटा लेना चाहिए। इसमें मेन चीज इसमें ये है, ये बच्चा हमारा थोड़ा कुछ करना चाहिए। देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से भाई साहब का कहना है कि सकारात्मक चीज़ें इसमें बच्चों को सोचनी चाहिए और साथ साथ एक बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और भी लोग हैं यहाँ पर, अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो हमें समय दे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती। आज दशहरा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर बच्चों को कि दशहरे का पर्व क्यों मनाते हैं? अगर मेनली बात, आज के दिन तो विजय प्राप्त की थी राम ने और रावण को मारा था, रावण से वध हुआ था, इसलिए बच्चों को क्या सीखना चाहिए अगर बात की जाए? आजकल मॉडर्न जमाना है, लोगों को पता नहीं, बच्चे त्यौहार में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रखते, तो आपको क्या लगता है क्या मैसेज होना चाहिए इसके लिए? तो यही होना चाहिए कि मतलब हर किसी को राम के बारे में ये पता होना चाहिए कि लास्ट दिन जो है लंका दहन हुआ था और राम जी ने विजय प्राप्त की थी, इसका पता चलना चाहिए बच्चों को भी। ठीक, बिल्कुल, अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक होगा। और भी कुछ लोग हैं मैडम, आपका नाम क्या है और कहां से है? मेरा विमला पवार, हम अधोई वाला से आए। अधोई वाला से बचपन से देखते आए हैं हम भी, और किस तरह से उत्साह लगातार साल भर साल बढ़ता हुआ नजर आया। अब हम तो अपने बच्चों को जो सिखाएंगे वो हम बताएंगे तो वो और इंटरेस्ट लेंगे। हम उन्हें लाए बताएं कि दशहरा है, रावण का, राम ने मतलब रावण को मार के विजय प्राप्त की थी, और इस चीज़ के बच्चों को बताया जाए, तभी जब हम बताएंगे लाएंगे दिखाएंगे, जब हमारे शहर में ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें दिखाएं और बताएं। मेरा यही कहना, प्यार और प्रेम से ही रहें और मतलब आगे जिस तरह से राम ने विजय प्राप्त करी उसी तरह बच्चों को बताएं, अपना कल्चर बताएं पहले का। देखिए बिल्कुल, लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं पर लेकिन भागते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर जिस बात की बात है कि बच्चों को जागरूकता यहाँ पर जरूर होनी चाहिए कि अपना धर्म में किस तरह से जो सकारात्मक है उस चीजों को सीखना चाहिए, और जिस तरह से जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं फैमिली के साथ, खासा उत्साह देखने को मिल रहा है आज के पर्व को लेकर। बच्चे भी काफी उत्साहित है और जगह जगह से अलग अलग शहरों से देहरादून में पहुंच रहे हैं परेड ग्राउंड में आज का रावण दहन देखने के लिए। लालचंद, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि देखिए तरह तरह की चीज़ें जो हैं आज के पर्व को लेकर कही जाती है और मान्यता भी कई तरह की मानी जाती है। अब ऐसे में किस तरीके से अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो अलग महत्व और अलग मान्यता वहां पर दशहरे के पर्व को लेकर है, क्योंकि लोगों में खासा उत्साह है आज के पर्व को लेकर, और 9 दिन तक लोगों ने खास तरीके से पूजा की, और आज कहीं ना कहीं दुर्गा विसर्जन भी है और आज विजयदशमी का पर्व भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो दशहरा का पर्व है यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, उसी के संदर्भ में कहीं ना कहीं जो उत्साह है लोगों में वो दिखाई दे रहा है। और जहां जहां पर भी जो है मेले का आयोजन भी किया जाता है, इसके साथ ही रावण दहन का भी आयोजन किया जाता है, और अलग अलग थीम पर कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो बुराई है वो खत्म होनी चाहिए और अच्छाई की जीत होनी चाहिए। ऐसे में तमाम लोग संकल्प भी लेते हुए आज के दिन दिखाई देते हैं, और यही वजह है कि सिर्फ राजधानी लखनऊ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है कि जो अहंकारी रावण है उसका दहन किया जाता है, जो कुंभकर्ण है उसका दहन किया जाता है, जो मेघनाथ का है उसका दहन किया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने देखने को मिला था कि रावण ने सीता जी का हरण किया था, उसके बाद से ही ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, और इस नवरात्र में जिस तरीके 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसका समापन श्री राम भगवान खुशी मन से करते हैं, जिसके बाद वो जो है लंका के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने समी के पेड़ की पूजा करते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं, जिसकी पूजा आज के दिन बड़ी ही महान होती है। और आज देखिए जो समी का पेड़ होता है उस पर भी लोग जो है पूजा करते हैं, उस पर दिया जलाते हैं, और यही वजह है कि जिस तरीके से भगवान श्री राम ने पूजा अर्चना करके अयोध्या की तरफ लंका की तरफ बढ़े थे, ऐसे में कहीं ना कहीं उस रावण जो है
है, अंत होता है और रामलीला मंचन के माध्यम से कहीं ना कहीं उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की जाती है। बड़ी बड़ी LED TV लगाई जाती है, जगह जगह पर जो है रामलीला का मंचन होता है, यानी कि ये बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से अहंकारी रावण का वध प्रभु श्री राम ने किया था और शायद उसी की वजह से आज सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में जो है हर्ष और उल्लास देखने को मिलता है, उत्साह देखने को मिलता है। लोग जहां घरों में भी जो है छोटे छोटे रावण बनाकर उसके पुतले का दहन करते हैं और कहते हैं कि बुराई का अंत होना चाहिए और अच्छाई की जीत होनी चाहिए, उससे भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाती है। और शायद यही वजह है कि जहां छोटे छोटे रावण बनाए जाते हैं, गली मोहल्लों में भी रावण का पुतला दहन किया जाता है, तो वहीं बड़े बड़े रामलीला ग्राउंड में या तमाम मैदानों में भी बड़े बड़े रावण का दहन किया जाता है। और यही वजह है कि जो लखनऊ के ऐशबाग है, रामलीला मैदान है, वहां पर भी 60 फुट के रावण के जो पुतले का दहन किया जाएगा, जो कुंभकर्ण है उसके पुतले का दहन किया जाएगा और जो मेघनाथ है उसके पुतले का दहन किया जाएगा। उसको लेकर कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिलता है कि लोगों में उत्साह है और लोग जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है और ये देखने को मिलेगा कि भीड़ लोगों की निकलना शुरू हो जाएगी, सड़कों पर भीड़ देखने को मिलती है क्योंकि मेले का भी आयोजन किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लोग हैं यहाँ पर जो है रामलीला का मंचन तो होगा ही होगा, यहाँ पर बकायदा इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, शूटिंग भी होती है। और देखिए ये वही स्थान है जहाँ पर जो है अभी थोड़ी देर के बाद तैयारियाँ चल रही है, जो रावण का पुतला बनाया गया उसको बाहर निकाला जाएगा, रंग बिरंगे कलर से जो है तैयारियों को अंतिम रूप कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। चलिए हमारे साथ हरिओम जुड़ चुके हैं उन्नाव से। हरिओम, उन्नाव में किस तरीके का उत्साह है दशहरे के पर्व को लेकर? दशहरे को पर्व के लेकर जैसा कि मैं अपने पीछे दिखा सकता हूँ, रावण तैयार हो चुका है, रावण का पुतला, और लगभग 75 फीट का ऋषि आश्रम समिति द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर आज 75 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। बिल्कुल, साथ ही जिस तरीके से आपने बताया कि 75 फीट का ये रावण बनाया गया है, क्या कुछ तैयारियां और कर ली गई है रावण दहन को लेकर? अगर आपके आसपास लोग मौजूद है तो जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि वो कितने उत्साह हैं आज के पर्व को लेकर। उत्साह तो बहुत ज्यादा है क्योंकि आज रात 10 बजे रावण का दहन किया जाएगा। और यहाँ पर जैसा कि मैं अपने पीछे आपको दिखा दूं, दुकानें भी लग चुकी है लोगों के लिए, जो खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है समिति द्वारा। जी ठीक है हरिओम। चलिए हमारे साथ संजय चौधरी भी लगातार बने हुए हैं सहारनपुर से। संजय, अगर पिछले साल की बात करें, पिछले साल की तुलना में इस बार क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है दशहरे के पर्व को लेकर? जी देखिए, सहारनपुर की बात की जाए तो पिछली बार जब रावण का पुतला बनाया गया था वो 90 फीट का था और इस बार 100 फीट का पुतला बनाया गया। इस तरह और मेघनाथ के जो पुतले हैं वो भी 70 फीट और 60 फीट के बनाए गए थे, इस बार 80 फीट और 90 फीट के बनाए गए हैं। बात सहारनपुर की जाए तो विशेष बात यह रहती है कि सहारनपुर में जो कारीगर हैं वो मुस्लिम कारीगर हैं जो उनके पुतले बनाते हैं, और वो उनका कहना है कि वो पिछले 15-20 साल से सहारनपुर में पुतले बना रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम जानकारी आपने साझा की और बताया कि किस तरीके से अलग अलग शहरों में दशहरे के पर्व को लेकर कितना उत्साह है। तो चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।